बनाएंगे एक न्यू फिगर दैट इज क्यूब. ये जो आप देख रहे हैं क्यूब, इसमें मैंने कोई भी ग्लू या फिर टेप यूज नहीं किया है. तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे हमने इसे बनाया. तो एक क्यूब बनाने के लिए आपको चाहिए 6 पेपर्स. सो इस टाइप के हम 6 पेपर्स लेंगे और इस एक पेपर शीट से जो कि एक फोर साइड शीट है इससे हम एक स्क्वायर कट करेंगे. मेरा ये क्यूब काफी सुंदर बने इसलिए मैं 6 डिफरेंट कलर से हमें यूज करूंगी. तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप इसको एकदम कॉर्नर से शार्प तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से आप इसे फोल्ड करेंगे. The rest of the paper of the, this sheet, we will cut it out. Or how I will cut it? Okay. So like this. ये जो extra hair things मैं इसको कैंची से निकाल दूंगी. Cause I want a square paper. So this one is a square paper. So इस तरह की हमें 6 sheets चाहिए. और मैं आपको एक पीस बना के दिखाऊंगी कि इसके हमें कैसे बनाना है. सो आपको इसको एक बार ऐसे हाफ फोल्ड करना है. आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इधर से एक्स्ट्रा पेपर ना निकले या जो क्रीच है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो. इट मस्ट बी वेरी फाइन. सो ये जो बीच की जो क्रीच है इस तक आपको इस तरीके से एक बार इसको फोल्ड करना है. देख लीजिए मैं बहुत आराम से कर रही हूँ. ठीक है. Now just turn this side और same do from the opposite side. Okay? Very clearly. ठीक है. एक बार जब ऐसा हो जाएगा आपको फिर एक साइड से इसको diagonally ऐसे fold करना है. Be attention on that topic कि आपको यहां से एकदम ये sharp रहे. ठीक है. कोई आप ये ऐसे ना हो या फिर यहाँ ये ऐसे ना हो. Be sharp. और उसके बाद आप इसको बहुत ही फाइन तरीके से मोड़ देंगे. दूसरी तरफ से भी हम ऐसा ही करेंगे. ठीक है. सो ध्यान रखेंगे कि ये जो इस तरीके से का जो बीच में गैप है वो आपको देखने को ना मिले. सो इसके लिए आप इस तरीके से फिर जो हमने इसको मोड़ दिया आपके पास कुछ ऐसा होगा. फिर आपको इसे खोलना है और इसको अंदर पॉकेट में डालना है. ठीक है. और ये जो ऊपर मुड़ा हुआ पीस है पार्ट है इसको आपको अंदर की तरफ मोड़ना है लाइक दिस. और ये आपको दूसरी साइड से भी करना है इस तरीके से और ये. ठीक है. और ये आपको अंदर पॉकेट में. ऐसा होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का होगा. नाउ जस्ट टर्न इट और इस वाले कॉर्नर को हमें यहां तक मोड़कर लेकर आना है. और इसको आपको बहुत सावधानी से और बहुत ही शार्प तरीके से करना है कि कुछ भी कॉर्नर आउट ना हो कहीं से भी. जितनी ज्यादा क्लियरिटी आप फिगर में रखेंगे आपका क्यूब उतना ही अच्छा बनेगा. ठीक है. सो दिस इज वन पीस. आपको इस तरीके के 6 पीसेस चाहिए फॉर मेकिंग अ क्यूब. सो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6. सो अब बारी आती है कि हमें एक क्यूब बनाने के लिए इनको फिक्स कैसे करना है. सो प्लीज ध्यान से देखिए. अगर आपको एक बार समझना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके देखिए. ठीक है. सो आपको 2 पीसेस ऐसे रखने हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉकेट्स बन गई हैं. ये पॉकेट्स, इस टाइप की पॉकेट्स, ये पॉकेट और ये पॉकेट. हमें इन्हीं पॉकेट का यूज करते हुए इसको फिक्स करेंगे. सो क्योंकि ये इस तरीके से फिक्स. ठीक है. फिर उसके बाद में आपको क्या करना है. आप एक और पीस लेंगे और इस तरीके से इसको फिक्स. ठीक है. फिर ये जो वाला है इधर वाली पॉकेट में इसको फिक्स कर देंगे. बहुत ही आराम से सावधानी से इसको करेंगे. तो हमें क्यूब की शेप मिलने लगी है. और इसको और अच्छे से फिक्स करने के लिए हम ये इसको इसमें और ये यहाँ What?
से जस्ट फिक्स वन दिस पार्ट इन टू द अनदर पॉकेट राइट। एक बार जब ये हो जाए तो इसको अच्छा लुक देंगे। अभी इसको हाथ से थोड़ा सा इसको शेप आपको देना है। नाउ अवर क्यूब इज रेडी सो लुक्स वेरी नाइस। एज यू शॉन कि यहाँ हमने कोई भी ग्लू यूज नहीं की, कोई भी टेप यूज नहीं की एंड इट इज फॉर विद ओरिगैमी। आप इस तरीके से कई फिगर्स बना सकते हैं। यू कैन मेक अ डोडेकाहेड्रन ऑल्सो, कैन मेक अ पिरामिड, ऑफकोर्स अ बटरफ्लाई टू। तो कैसे ये मैंने बर्ड बनाया इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। दिखाऊंगी कि इसके हमें कैसे बनाना है। तो आपको इसको एक बार ऐसे हाफ फोल्ड करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इधर से एक्स्ट्रा पेपर ना निकले या जो क्रीच है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इट मस्ट बी वेरी फाइन। सो ये जो बीच की जो क्रीच है इस तक आपको इस तरीके से एक बार इसको फोल्ड करना है। देख लीजिए मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। ठीक है, नाउ द स्टैंड दिस साइड और सेम डू फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, वेरी क्लियरली। ठीक है, एक बार जब ऐसा हो जाएगा आपको फिर एक साइड से इसको डायगनली ऐसे फोल्ड करना है। बी अटेंशन ऑन दैट टॉपिक कि आपको यहाँ से एकदम ये शार्प रहे। ठीक है, कोई आप ये ऐसे ना हो या फिर यहाँ ये ऐसे ना हो, बी शार्प। ठीक है, और उसके बाद आप इसको बहुत ही फाइन तरीके से मोड़ देंगे। दूसरी तरफ से भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये जो इस तरीके से का जो बीच में गैप है वो आपको देखने को ना मिले। सो इसके लिए आप इस तरीके से, फिर जो हमने इसको मोड़ दिया आपके पास कुछ ऐसा होगा। फिर आपको इसे खोलना है और इसको अंदर पॉकेट में डालना है। ठीक है, और ये जो ऊपर मुड़ा हुआ पीस है, पार्ट है, इसको आपको अंदर की तरफ मोड़ना है लाइक दिस। और ये आपको दूसरी साइड से भी करना है इस तरीके से, और ये, ठीक है, और ये आपको अंदर पॉकेट में। ऐसा होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का होगा। नाउ जस्ट टर्न इट और इस वाले कॉर्नर को हमें यहां तक मोड़कर लेकर आना है, और इसको आपको बहुत सावधानी से और बहुत ही शार्प तरीके से करना है कि कुछ भी कॉर्नर आउट ना हो कहीं से भी। जितनी ज्यादा क्लियरिटी आप फिगर में रखेंगे आपका क्यूब उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, सो दिस इज वन पीस। आपको इस तरीके के 6 पीसेस चाहिए फॉर मेकिंग अ क्यूब। सो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6
सो अब बारी आती है कि हमें एक क्यूब बनाने के लिए इनको फिक्स कैसे करना है। सो प्लीज ध्यान से देखिए, अगर आपको एक बार समझना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। सो आपको दो पीसेस ऐसे रखने हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉकेट्स बन गए हैं, ये पॉकेट्स, इस टाइप की पॉकेट्स, ये पॉकेट और ये पॉकेट। हम इन्हीं पॉकेट का यूज करते हैं और इसको फिक्स करेंगे। सो क्योंकि ये इस तरीके से फिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आप एक और पीस लेंगे और इस तरीके से इसको फिक्स, ठीक है। फिर ये जो वाला है, इधर वाली पॉकेट में इसको फिक्स कर देंगे, बहुत ही आराम से सावधानी साथ इसको करेंगे। तो हमें क्यूब की शेप मिलने लगी है और इसको और अच्छे से फिक्स करने के लिए हम ये इसको इसमें और ये यहाँ जस्ट फिक्स वन दिस पार्ट इन टू द अनदर पॉकेट, एक बार जब ये हो जाए तो इसको अच्छा लुक देंगे। अभी इसको हाथ से थोड़ा सा इसको शेप आपको देना है। नाउ अवर क्यूब इज रेडी, सो लुक्स वेरी नाइस। एज यू शॉन कि यहाँ हमने कोई भी ग्लू यूज नहीं की, कोई भी टेप यूज नहीं की, एंड इट इज फॉर विद ओरिगैमी। आप इस तरीके से कई फिगर्स बना सकते हैं। यू कैन मेक अ डोडेकाहेड्रन ऑल्सो, और यू कैन मेक अ पिरामिड, ऑफकोर्स अ बटरफ्लाई टू। तो कैसे ये मैंने बर्ड बनाया, इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।